एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद सुहेल। दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इस फॉन्ट साइज को, अपने नेटबीन का जो फॉन्ट साइज है उसको किस तरह इंक्रीज कर सकते हो और किस तरह उसको डिक्रीज कर सकते हो और किस तरह इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हो। इस वक्त हमारे पास ये वाइट है और किस तरह आप अपनी मर्जी से इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हो और किस तरह ये फॉन्ट साइज है इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो और किस तरह इसके पास जो हमारा ये टेक्स्ट है इसके कलर को चेंज कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपने सिंपली टूल पर आना है, टूल पर आने के बाद आपको टूल पर क्लिक करना है। जैसे आप इस टूल पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा, तो आपने सिंपली इधर ऑप्शन पर आना, ऑप्शन पर आने के बाद आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो सिंपली आपने फॉन्ट्स एंड कलर पर जाना है, फॉन्ट्स एंड कलर पर जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको एक बटन नजर आ रहा होगा जिस पर थ्री डॉट्स है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों हमारे पास फॉन्ट स्टाइल और साइज इस तरह से एक इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो सिंपली आप जैसे अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो जैसे आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो और ये है कि हमारे पास फॉन्ट स्टाइल होता है इधर, इसलिए भी आप चेंज कर सकते हो और आप इधर अपनी मर्जी से इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। लेट्स गो, मैं इसको 18 करना चाहता हूँ, तो आपने 18 करने के बाद इसको ओके करना, ओके करने के बाद आपने इसे भी इसको ओके करना। जैसे ही आप इसको ओके करोगे तो आप देखो इसके जो हमारे पास इसका फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो चुका है। तो दोस्तों लेकिन अगर आप इसके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं, तो दोस्तों सिंपली आपको टूल पर जाने के बाद ऑप्शन में आना, ऑप्शन में आने के बाद आपको इधर बैकग्राउंड ऑप्शन नजर आ रही होगी कि बैकग्राउंड लिखा हुआ है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट कलर के कलर डिस्प्ले होंगे, कुछ इस तरह की विंडोज आपके पास ओपन होगी। तो आपने सिंपली यहाँ से कोई भी कलर जो आप अपने नेटबीन के बैनर पर लगाना चाहते हैं वो आप इधर से सिलेक्ट कर लें। लेट्स गो, मैं इसको पिंक करना चाहता हूँ, मैंने इसका इधर से पिंक सेलेक्ट किया और मैं इधर से ओके कर देता हूँ। उसके साथ जो हमारे ये साइज है, जो हमारे ये फॉन्ट है, अगर इसकी कलर को चेंज करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी लाल लिखा हुआ आपने इधर आना, इधर आने के बाद आप अपनी मर्जी से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। लेट्स गो, मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों हमारा जो बैकग्राउंड था वो पिंक हो चुका है और जो हमारा टेक्स्ट कलर था वो हमारे पास वाइट हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करने और सब्सक्राइब के साथ बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।